हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मीनाक्षी मैम, टीचर ऑफ एलकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा। टुडे इज माय टॉपिक इज इंग्लिश रैम्स। माय पोयम नेम इज रिंगे रिंगो रोजिश। लेट स्टार्ट। रिंगे रिंगो रोजिश ए पॉकेट फुल ऑफ पोसिस, हुशा बुशा वी ऑल फेल डाउन। वंस अगेन बेटा, रिंगे रिंगो रोजिस ए पॉकेट फुल ऑफ पोसिस, हुशा बुशा वी ऑल फेल डाउन। वंस अगेन बेटा, ए रिंगे रिंगो रोजिस पॉकेट फुल ऑफ पोसिस, हुशा बुशा वी ऑल फेल डाउन। वंस अगेन बेटा, ए रिंगे रिंगो रोजिस पॉकेट फुल ऑफ पोसिस, हुशा बुशा वी ऑल फेल डाउन। बेटा सभी को पोयम अच्छी लगी होगी ना, तो विद दैट सेड आपको पोयम लर्न करनी है। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मीनाक्षी मैम, टीचर ऑफ एलकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा। टुडे इज माय टॉपिक इज हिंदी रैम्स। माय पोयम नेम इज चंदा मामा। लेट स्टार्ट। आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या मामी के डर से मामा लुकते छिपते रहते हो। वंस अगेन बेटा, आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या मामी के डर से मामा लुकते छिपते रहते हो। वंस अगेन बेटा, आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या मामी के डर से मामा लुकते छिपते रहते हो। वंस अगेन बेटा, आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या मामी के डर से मामा लुकते छिपते रहते हो। सभी को पोयम अच्छी लगी होगी बेटा, सभी को विद एक्शन पोयम लर्न करनी है। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मीनाक्षी मैम, टीचर ऑफ एलकेजी क्लास एट एमएलपी स्कूल राजपुरा। बेटा हिंदी में कल मैंने आपको क्या सिखाया था, कैसे लेकर न तक, और आज आप क्या सीखेंगे, जैसे य तक। तो देखो ध्यान से, देखो ये क्या है, जैसे चम्मच, जैसे चम्मच, और जैसे क्या होता है, चक्र, जैसे चक्र, जैसे चांद, जैसे चूहा, क्या होता है, जैसे चम्मच, जैसे चक्र, जैसे चांद, जैसे चूहा। अब देखो, जैसे छतरी, जैसे छतरी, जैसे छड़ी, जैसे छड़ी, जैसे छाज, जैसे छत्ता, जैसे क्या होता है, छतरी, जैसे छड़ी, जैसे छाज, जैसे छत्ता, जैसे जहाज, जैसे जहाज, और क्या होता है, जैसे जोकर, जैसे जग, जैसे जामुन, जैसे क्या होता है बेटा, जहाज, जैसे जोकर, जैसे जग, जैसे जामुन। अब देखो, जैसे झंडा, जैसे झंडा, जैसे झगड़ा, जैसे झरना, जैसे झाड़ू, जैसे झंडा, जैसे झगड़ा, जैसे झरना, जैसे झाड़ू। अब देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये। तो देखो, जैसे चम्मच, जैसे छाता, जैसे जहाज, जैसे झंडा, ये खाली। तो बेटा आपको ये लर्न करनी है। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम मीनाक्षी मैम, टीचर ऑफ एलकेजी क्लास
एट MLP स्कूल राजपुरा। बेटा इंग्लिश में कल मैंने आपको क्या सिखाया था, H4 hat, और आज आप क्या सीखेंगे, स्मॉल लेटर I, I फॉर आइसक्रीम। तो देखो ये क्या है I, ये क्या है कैपिटल लेटर I, है ना, तो I फॉर आइसक्रीम, ICECREAM आइसक्रीम, और ये किसकी पिक्चर है आपकी, आइसक्रीम की, तो स्मॉल लेटर I करना है आपको। पहले आप वन लाइन में करेंगे कैपिटल लेटर I, वन लाइन में कैपिटल लेटर I करेंगे, देखो थ्री लाइन में बनेगा कैपिटल लेटर, ऐसे फिर ऐसे कर दो फिर ऐसे, ओके पहले सीधी लाइन करो फिर इस लाइन पर फिर इस लाइन पर, कैपिटल लेटर कितनी लाइनों में बनता है, थ्री लाइनों में, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे करो फिर ऐसे कर दो फिर ऐसे, आप बनाएंगे हम स्मॉल लेटर I, स्मॉल लेटर I, तो I बनेगा टू लाइन में, तो देखो ऊपर की लाइन छोड़ दो, इस लाइन से इस लाइन तक ऐसे खींचो और यहाँ पर बिंदी लगा दो, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे करो फिर ऐसे कर दो, ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे, ऐसे करो फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे करोगे फिर यहाँ ऐसे कर दोगे, ऐसे करो फिर यहाँ डॉट लगा दो, पहले ऐसे लाइन खींचोगे फिर यहाँ डॉट लगा दोगे, पहले ऐसे लाइन खींचोगे फिर यहाँ डॉट लगा दोगे, ऐसे लाइन खींचोगे फिर यहाँ डॉट लगा दोगे, ऐसे लाइन खींचोगे फिर यहाँ पर डॉट लगा दोगे, ओके बेटा। तो आज आपको किसकी प्रैक्टिस करोगे, स्मॉल लेटर I की, किसकी, स्मॉल लेटर I, ओके बेटा थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आई एम मंजू मैम फ्रॉम LKG क्लास एट MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। डियर स्टूडेंट आई विल टीच यू काउंटिंग 61 to 70। ओपन योर मैथ्स नोटबुक एंड राइट डाउन, लुक एट मी, स्पीक एंड राइट। 61 61 61 62 62 63 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 वंस अगेन काउंटिंग 61 to 70। स्पीक एंड राइट। 61 61 62 63 64 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 70 वंस अगेन काउंटिंग 61 to 70। 61 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 67 67 68 68 69 69
70 once again 61 62 63 63 64 64 65 65 66 67 68 68 69 69 70 70. I repeat counting 61 to 70. 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70. Dear student, counting 61 to 70. Learn and write. Okay, bye bachcho. Good morning dear students, I am Rekha, teacher of LKG class. Today we learn fruits name. Okay, let's start. This is apple. This is apple. A-P-P-L-E. Apple means sieve. Apple means sieve. A-P-P-L-E. Apple means sieve. This is banana. This is banana. B-A-N-A-N-A. Banana. B-A-N-A-N-A. Banana. Banana means kela. Banana means kela. This is guava. This is guava. G-U-A-V-A. G-U-A-V-A. Guava means amrud. Guava means amrud. This is pear. This is pear. P-E-A-R. Pear means naspati. Pear means naspati. This is pomegranate. P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E. Pomegranate means anar. This is watermelon. This is watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N. Watermelon means tarbuj. Watermelon means tarbuj. This is coconut. This is coconut. C-O-C-O-N-U-T. Coconut. C-O-C-O-N-U-T. Coconut means nariyal. Coconut means nariyal. This is grapes. This is grapes. G-R-A-P-E-S. G-R-A-P-E-S. Grapes means angur. Grapes means angur. This is mango. This is mango. M-A-N-G-O. M-A-N-G-O. Mango means aam. Mango means aam. This is muskmelon. This is muskmelon. M-U-S-K-M-E-L-O-N. M-U-S-K-M-E-L-O-N. Muskmelon means tarbuj. Muskmelon means tarbuj. This is orange. This is orange. O-R-A-N-G-E. O-R-A-N-G-E. Orange means santra. Orange means santra. This is papaya. This is papaya. P-A-P-A-Y-A. Papaya. P-A-P-A-Y-A. Papaya means papita. Papaya means papita. This is pineapple. This is pineapple. P-I-N-E-A-P-P-L-E. P-I-N-E-A-P-P-L-E. Pineapple means ananas. Pineapple means ananas. Okay.